भारत जापान का 14वां शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत। शिखर सम्मेलन में आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने पर बात, एमईए ने किया ट्वीट, भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भारत में निवेश पर कर सकते हैं घोषणा, भारत में $42 अरब के निवेश कर सकता है जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। दो दिनों की भारत यात्रा पर हैं जापान के प्रधानमंत्री, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक, मान कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 25,000 सरकारी नौकरियां निकालेगी पंजाब सरकार। पुलिस विभाग में निकलेंगी 10,000 नौकरियां, अलग अलग विभागों में निकाले जाएंगे 15,000 पद, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। 10,000 पंजाब पुलिस दे विच ने अलग अलग अहुदियां ते, अते 15,000 अलग अलग गवर्नमेंट दे डिपार्टमेंट बोर्ड ते कारपोरेशनां च ने। सीएम भगवंत मान ने कहा किसी प्रकार का नहीं होगा भेदभाव, एक महीने के अंदर होगी सारी प्रक्रिया पूरी। कोई भेदभाव जा कोई सिफारिश जा रिश्वत नहीं चलूगी, आम आदमी पार्टी का यह वादा है। एक महीने के एडवरटाइजमेंट ते नोटिफिकेशन हो जाऊगा, जिन्हें भी फॉर्मेलिटियां ने वो पूरियां कर लिया जाएगियां। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट ने ली शपथ, 10 विधायक बने मंत्री, मान मंत्रिमंडल में 4 जट सिख, 2 हिंदू, 4 दलित चेहरों को मिली जगह, एक महिला भी मंत्री बनी। हरपाल सिंह चीमा ने सबसे पहले ली मंत्री पद की शपथ, दरबार से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं चीमा। होशियारपुर से विधायक चुने गए ब्रह्मशंकर ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, उद्योग मंत्री श्याम अरोड़ा को चुनाव में दी थी मात। पार्टी में दलित चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले लालचंद कटारूचक ने भी ली मंत्री पद की शपथ, भोआ सीट से विधायक है लालचंद। हरभजन सिंह भी मंत्रिमंडल में हुए शामिल, हरभजन सिंह ईटीओ जंडियाला सीट से चुने गए हैं विधायक। डेंटल सर्जन डॉक्टर विजय सिंगला को भी मान के मंत्रिमंडल में मिला स्थान, पहले भी पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं सिंगला। भगवंत मान की कैबिनेट में शामिल हुई डॉक्टर बलजीत कौर, मंत्रिमंडल में शामिल हुई एकमात्र महिला मंत्री मनी कौर। पंजाब कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों में लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह, हरजोत सिंह बैंस और कुलदीप सिंह धारीवाल भी शामिल, राज्यपाल ने इन्हें पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई, भगवंत मान के बेटे और बेटी भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कुलतार सिंह संधवा बनेंगे पंजाब विधानसभा के स्पीकर, कोटकपुरा से दूसरी बार विधायक बने हैं कुलतार सिंह। यूपी बीजेपी ने घोषित किए एमएलसी प्रत्याशियों के नाम, पहले चरण के 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। पहले चरण में 21 मार्च तक होगा एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन, यूपी में 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, शाम 4 बजे शुरू होगा समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल, बीजेपी शासित सीएम और डिप्टी सीएम को भी न्योता। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा समारोह, स्टेडियम में तेज हुई तैयारियां। कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा, तैयारियां शुरू। गोरखपुर में निकाले गए भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। ध्वज प्रणाम और प्रार्थना का भी हुआ आयोजन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को किया संबोधित। सीएम योगी ने सभी को होली की दी बधाई, कहा गोरखपुर की जनता ने राष्ट्रवाद पर लगाई है मुहर। पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9
राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। 8 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा में रंगों की बौछार, लगा जबरदस्त उत्साह। बीजेपी गठबंधन में वापस आएंगे ओपी राजभर, योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के आसार, सूत्रों से मिली जानकारी। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर की धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और सुनील बंसल से बीती शाम हो चुकी है मुलाकात। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से राजभर के 1.5 घंटे की मुलाकात की खबरें, राजभर और बीजेपी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। एनडीए में शामिल होने की खबरों को ओपी राजभर ने किया खारिज, कहा यह खबर निराधार है, हम सपा के साथ कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा, हमारी तैयारी 2024 के लिए। ये खबर निराधार है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम लोग विधानसभा और समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग 24 की तैयारी में हैं। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन, जम्मू में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह की शिरकत, परेड के लिए सलामी। अमित शाह की मौजूदगी में सीआरपीएफ जवानों ने परेड का किया शानदार प्रदर्शन, मिलाई कदमता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गुलशन है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने भी दिखाया दमखम, दंगा नियंत्रण में आरएएफ को माना जाता है बेजोड़। कोबरा टुकड़ी भी जोश में दिखी लबरेज, परेड का दिखा अनोखा अंदाज। टुकड़ी वीर पराक्रमे जय। गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल के साथ घाटी में सुरक्षा को लेकर की बैठक। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में सुधरे हालात, कानून व्यवस्था की बहाली में सीआरपीएफ की रही अहम भूमिका। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। उत्तराखंड में सरकार पर रविवार को दिल्ली में बीजेपी का मंथन, प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे बैठक में शिरकत, 22 मार्च को सामने आ सकते हैं नए सीएम का नाम। एनडीए से हो सकती है मुकेश साहनी की विदाई, बिहार के बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारने का बनाया मन। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर भड़की विवाद की आंख, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इशारों में तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को ठहराया कसूरवार। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में तय किए आरोप, सैयद अली शाह गिलानी समेत सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। गिलानी के अलावा हुर्रियत नेता मीरवाइज यासीन मलिक, अल्ताफ अहमद शाह है आरोपी, पथराव के आरोपी कामरान यूसुफ और जावेद अहमद भट्ट पर भी आरोप। लद्दाख से सेना के लिए आई गुड न्यूज, चीनी सीमा से सटे लद्दाख में जोजिला मार्ग की हुई शुरुआत, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है जोजिला मार्ग। जोजिला मार्ग के शुरू होने से सैन्य गतिविधियों को मिलेगा फायदा, लेह मार्ग स्थित जोजिला दर्रा हाईवे को आमजनों को समर्पित। आवाम है दोनों तरफ की यूटीज की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहां पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हलचल हुई तेज, गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, 1 घंटे की बातचीत में पार्टी को मजबूत करने पर मंथन। पार्टी को मजबूत करना है या जहां जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण, मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पार्टी के अंदरूनी मुद्दों को पार्टी फोरम से बाहर उठाना गलत, ऐसा करने वालों को सुध आई इसका स्वागत। उसको दूसरे जगह अपने आप में सुधारना, दूसरों को बोलने का बताने का। खड़गे ने कहा सोनिया राहुल कांग्रेस को दी मजबूती, मनमोहन सरकार और सोनिया के त्याग की दिलाई याद, कहा उस वक्त सोनिया के निर्णय को सभी ने सराहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर 20 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे, संघ प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक लेंगे।
पहली बार राजौरी को मिला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना का लाभ। दूरदराज के पहाड़ी इलाके कलकोटे तक आने जाने के लिए सड़क और बिजली की हुई व्यवस्था। श्रीनगर में एनजीओ की शानदार पहल, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना। स्वर्गीय सीडीएस जनरल विपिन रावत को 21 मार्च को पद्म विभूषण से किया जाएगा अलंकृत। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान देने की हुई थी घोषणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाएगा सम्मान, स्वर्गीय रावत की बेटियां ग्रहण करेंगी सम्मान। पुडुचेरी जिला व्यापार केंद्र की ओर से गांधी स्टेडियम में शिल्प प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। खूबसूरत कलाकृतियों को देखने बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। बौद्ध अनुयायियों ने बौद्ध कैलेंडर के पहले महीने की पूर्णिमा पर निकाला जुलूस। बौद्ध धर्म में शुभ दिन माना जाता है इसे। मणिपुर के मुरेह में मनाया गया फायर वॉकिंग फेस्टिवल। उत्सव में आंख पर चलकर लोग करते हैं देवी मां की आराधना। मंगलुरु में एक व्यक्ति अपनी मां को दे रहा अनोखी श्रद्धांजलि। मां की याद में ग्रीन वर्शिप के तहत लगा रहा है पौधे। हाल ही में मां का हुआ है निधन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है बर्फ हटाने का काम। बर्फबारी से मुगल रोड पर बाधित हो रहा है यातायात। लखनऊ में पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली। हजरतगंज कोतवाली थाने में डीजे की धुन पर थिरके पुलिस वाले, साथी खेली कपड़ा फाड़ होली। अयोध्या के पुलिस लाइन में भी खेली गई होली। आईजी कविंद प्रताप सिंह के आवास पर पुलिसकर्मियों ने मनाया जश्न। पटना में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मनाया जश्न। सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं संग खेली होली। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आयोजित कसम परेड में 181 प्रशिक्षित जवान भारतीय सेना में हुए शामिल। कमांडेंट कर्नल तरुण सती ने किए नए जवानों की हौसला अफजाई। फरीदाबाद के सूरजकुंज में इंडियन हेरिटेज आर्ट एग्जीबिशन का किया गया है आयोजन। मौके पर हरियाणा हेरिटेज ट्रस्ट के निर्देशक डॉक्टर एम ए पुनिया रहे मौजूद। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का किया उद्घाटन। बिहार में एमएलसी एमएलए को द कश्मीर फाइल्स दिखाने की तैयारी। 25 मार्च को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। हिजाब मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। कहा कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के पद छोड़ने के अटकलों को किया खारिज। कहा अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद पद नहीं छोड़ेंगे इमरान। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने देश में मौजूदा राजनीतिक संकट और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पक्ष नहीं लेने की सेना की तारीफ की। रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन। दोनों देशों से कोई भी एक दो देश आमने सामने झुकने के लिए नहीं है तैयार। यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए बाइडेन और जिनपिंग के बीच वीडियो कॉल पर हुई बातचीत। शांति स्थापित करने के लिए आपस में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। अमेरिका पहले ही चीन को कर चुका है आगाह, अगर रूस को सैन्य मदद दी तो बीजिंग को चुकानी होगी इसकी कीमत। युद्ध के बीच जर्मन चांसलर ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत। पुतिन ने डोनेस्क में यूक्रेन के रॉकेट हमले का किया जिक्र। पुतिन ने जर्मन चांसलर से कहा पश्चिमी देश यूक्रेन के युद्ध अपराधों की कर रहे हैं अनदेखी। रूस यूक्रेन के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में दे चुका है मान्यता। कीव की घेराबंदी करने के बाद जोरदार हमले। बीती रात हुए धमाकों से यूक्रेन का हुआ काफी नुकसान। मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस का बड़ा हमला, इससे इमारतों को पहुंचा है खासा नुकसान। मिकोलेव मिलिट्री बेस में कई इमारतें मलबे में हुई तब्दील। मलबे से बचाई गई एक बच्ची की जान। यूक्रेन का दावा, डोनेस्क में रूस के हमले को किया नाकाम। यूक्रेन ने कहा कि उसके एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम ने दिया हमले का जवाब।
यूक्रेन ने कीव की 30 बस्तियों पर फिर से कब्जे का किया दावा। यूक्रेन ने रूसी फौज को 70 किलोमीटर तक पीछे धकेला। बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया एक और नया वीडियो। कहा मारियोपोल खार्किव तमाम मुश्किलों से स्थिति में गुजर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूक्रेन युद्ध पर करेंगे चर्चा। 21 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। यूक्रेन और रूस नो ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर हुआ सहमत। मारियोपोल सुमी अन्य इलाकों में आपको बता दें कॉरिडोर शुरू करने की बात हुई है। जंग में फंसे लोगों को यहां से मदद पहुंचाई जा सकेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट पर बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि का बयान। यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने वाली प्रयोगशालाओं से किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि का रूस पर बड़ा आरोप। कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर बनाए बायोलॉजिकल हथियार। यूक्रेन के शहरों में ताबड़तोड़ हमले पर रूसी आर्मी का जवान आपको बता दें लगातार हमले कर रहे हैं। लगातार हमलों से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मारियोपोल के एक थिएटर पर रूस ने दागे बम। यूक्रेन का दावा हमले में फंसे सैकड़ों लोग। बमबारी से पूरी तरह बर्बाद हुआ यूक्रेन का खार्किव शहर। हर तरफ दिख रहा है तबाही और बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के ओखी तायरका स्टेशन पर भी भारी गोलीबारी। रूसी हमले में पूरा स्टेशन तबाह। अमेरिका भारत से यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए कर रहा है बातचीत। कहा रूसी आक्रमण के खिलाफ साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कर रहे हैं कोशिश। मारियोपोल में धमाकों से कई इमारतों को भारी नुकसान। भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। मारियोपोल से भागने वालों की तादाद बढ़ी। पलायन कर रहे लोगों की वजह से लगा भारी जाम। मारियोपोल के एक थिएटर पर रूस ने दागे बम। यूक्रेन का दावा मलबा हटाने का काम जारी। बमबारी से पूरी तरह बर्बाद हुआ यूक्रेन का खार्किव शहर। हर तरफ दिखी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात। मांगी मदद।